लोहरदगा शहरी क्षेत्र के बरवाटोली स्थित मनोकामना सिद्धि माँ दुर्गा मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान में राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव शामिल हुए। इस अनुष्ठान में शामिल होकर प्रसाद और भंडारा ग्रहण किए। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे, उनको जो मुंह में आता है बक देते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है। उनके समय में भी हाथी उड़ाया गया था, क्या हुआ नहीं हुआ उनसे सवाल कीजिए। उनके समय में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं, वो जो बात बोल रहे हैं उन पर सवाल खड़ा करता है। हम चाहते हैं कि उनके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री और लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस आगे चल रही है, इसलिए जीत पक्की है। कांग्रेस आगे चल रही है, इसलिए वोट के बाद काउंटिंग होगा तो आगे चलेगी, जीतेगी, कहने का मतलब। और भाजपा पीछे चल रही है तो पीछे ही रह जाएगी। देखिए, उनकी बात ही निराली है, वो निराला टाइप का आदमी भी है, और वो जो मुंह में आता है बक देते हैं, उनको असलियत का पता नहीं है। ज़रा उनको इतना ही अगर जनता से का फिक्र है तो अपने गिरबान में भी झाँक के देखे कि उनके समय में भी हाथी उड़ाया गया था, क्या क्या हुआ नहीं हुआ उनसे पूछिए जाकर के। अच्छा रहेगा कि आप उनसे सवाल जवाब कीजिए और इस मामले में पूछिए कि उनके समय में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं। तो हमारा यह मानना है कि उनके समय में भी इस तरह का जो बात वो बोल रहे हैं तो वो बात उन पर भी आता है जाके। तो हम चाहते हैं कि उन पर भी पिछली सरकार पर भी जाँच हो, तो समझ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।